मित्रों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं। साथियों, इसके पीछे रीजन है एक तो इलेक्शन, दूसरी बात इस वजह से मेरे को जो है टाइम नहीं मिला था। और आप लोग थोड़ा सा विश्वास रखिए यार, मैं मतलब ये मानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ने तो विश्वास ही खो दिया कि अरे सर, आपने बोला था कि पूरा कोर्स करवाऊंगा हिंदी साहित्य का, इतिहास का। मित्रों, मैं आपसे वादा जो मैंने किया था मैं उसे पूरा करूंगा। आप इस बात के लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि पहले इलेक्शन आ गए, फिर मेरे घर में प्रोग्राम आ गया, ये सारी चीज़ें एक साथ ही होने लगी, तो इस वजह से मेरे को वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और जब वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला तो आप सबको पता है कि वीडियो भी फिर कैसे डाल पाऊंगा। मित्रों, तो सबसे बड़ी दुविधा वाली बात ये हो गई थी। साथियों, जो मैंने आप लोगों से कहा था वो मैं अब वापस से जो है उसी हिंदी साहित्य के इतिहास में मैंने आपको आदिकाल और भक्ति का रीतिकाल का पूरा जो कोर्स मैंने करवा दिया है। अब हम लोग जो है यहाँ से आधुनिक काल से वापस से शुरू करेंगे और आज वीडियो आपके पास आएगा। साथियों, मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए डाला था, शायद आपने देखा भी होगा, कि आसान है फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन करवाना। इस वीडियो को साथियों आप एक बार और देखिए। जिन मित्रों ने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो मित्र सारे के सारे साथी इस वीडियो को पूरा सुने, मेरी बात को एक बार जरूर माने। और इस वीडियो को मैं इसी के साथ उस वीडियो को मैं जोड़ रहा हूँ और आप पूरा का पूरा वीडियो एक बार जरूर देखें। साथियों, आप लोगों को उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो को शेयर कीजिए। अब हम लोग जो है आधुनिक काल शुरू करेंगे और इसके साथ जो मैंने अभी जो वीडियो इसके साथ जो कंटिन्यू चलेगा वो वीडियो आपको जरूर देखना है, उससे मोटिवेशन आपको होगा। साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा उसे आपको शेयर करना है और लाइक करना है। मित्रों, आपसे मैंने जो वादा किया है वो वादा मैं जरूर निभाऊंगा। तो सुनते हैं इस वीडियो को। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपसे बहुत बड़े लेवल पर बात करने वाला हूं। और साथियों, बात ऐसी है कि हर किसी के ये जहन में होता है कि मैं कैसे फर्स्ट ग्रेड और कैसे सेकंड ग्रेड को क्वालिफाई करूं यार। मतलब हर बंदा ये चाहता है कि कैसे न कैसे मेरा सिलेक्शन हो जाए, कैसे न कैसे मेरी जॉब लग जाए। यह हर स्टूडेंट और हर बेरोजगार और हर व्यक्ति जो भी तैयारी कर रहा है, हर इंसान की यही इच्छा होती है कि कैसे न कैसे मेरी जॉब लग जाए। तो साथियों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि कैसे हम लोग आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड से भी आसान काम है सिलेक्शन करवाना। और अभी आपने देखा होगा कुछ चीजें चेंज भी हुई है, उनके माध्यम से भी आप लोगों को थोड़ा सा हजारों यूट्यूब चैनल वालों ने आपको बता दिया है। साथियों, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर आए हो और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो सबसे मेन बात यह है कि मैं इस चैनल पर बिना किसी स्वार्थ के, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई यहाँ ज्ञान आपको झाड़ने के लिए नहीं आया हूँ। आपके पास भी ज्ञान का भंडार है, क्योंकि देखो एक टाइम ऐसा होता है कि इंसान बेरोजगार होता है, उसके बाद में वो धीरे धीरे जब उसकी जॉब लग जाती है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ये पावर आ जाती है। साथियों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे हम लोग जो है, आलतू फालतू की बातें मुझे पसंद भी नहीं है, कि हम लोग कैसे सक्सेस हो सकते हैं। थोड़े से टिप्स जो मेरे जीवन में मैंने रखे हैं और मैं आपको भी वो टिप्स देना चाहता हूँ कि कैसे न कैसे भगवान करे आपकी भी जॉब लगे और आसानी से आप लोग भी जो है उस फर्स्ट ग्रेड के पेपर को, मैं केवल अभी फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पर करेंगे कि आप जब भी तैयारी शुरू करें, अगर आपने तैयारी कर दी है शुरू, तो आपके पास पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आपके पास लिखित में पूरा का पूरा फर्स्ट ग्रेड के दोनों पेपर का सिलेबस होना चाहिए। पहली बात तो यह है साथियों, अगर पहली बात आपने देखो नोट करते जाइए क्या क्या हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। साथियों, पूरा वीडियो देखेगा, पूरा कंप्लीट आप लोगों को यहाँ पर एक एक बात में जो है ना, उसमें कहते ना
एक धागे में जिस तरह से एक एक बिंदु परोया जाता है, उसी तरह से एक एक जो मोती परोया जाता है, उसी तरह से एक एक बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। और साथियों, अगर आपको मेरी बात अगर थोड़ी सी भी सही लगे ना, तो जरूर निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों, ठीक है। साथियों, मैं आपको, देखो सिंपल सी बात है, मैं कोई आपको ज्ञान नहीं झाड़ रहा, नहीं झाड़ रहा, मैं केवल जो मेरे पास टिप्स हैं वो मैं केवल आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात यह है कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, दोनों पेपर का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। उस सिलेबस को पूरा देखिए, एक-एक पॉइंट देखिए, एक-एक बात आपके मतलब माइंड के अंदर होनी चाहिए कि पहले पेपर में ये सिलेबस है, दूसरे पेपर में ये सिलेबस है, और इस सिलेबस के अंदर ये पोर्शन दिया गया है। और अब सिलेबस जब आपने देख लिया, आप जहां पढ़ते हो उसके सामने उसे चिपका दीजिए अच्छे से। रोज जब भी पढ़े उस सिलेबस को जरूर देखें कि क्या पॉइंट ऐसा है जो शायद मेरे से छूट रहा है, क्या पॉइंट ऐसा है जिसे मैं दूर भाग रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे अपने करीब लाने की कोशिश कीजिए। देखो सबसे मेन, अभी जो प्रेजेंट टाइम की स्थिति बनी हुई है ना, वो 30 से 35 साल के स्टूडेंट की बनी हुई है, और 35 से 40 साल के स्टूडेंट की सबसे भयानक स्थिति बनी हुई है। और मैं आपको बता दूं, क्या आप क्या मानते हो 40 साल के बाद वाला तैयारी नहीं कर रहा होगा? मित्रों मैं आपको बता दूं, 40 साल, 41 साल, 42 साल, 43, 45 साल तक का स्टूडेंट भी आज की तारीख में तैयारी कर रहा है। और वो बंदा भी ये चाहता है कि मैं कैसे न कैसे मेरी जॉब लग जाए। और सबसे मुश्किल काम होता है उस घड़ी में तैयारी करना, अपने पेरेंट्स को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपनी गृहस्थी को संभालना। साथियों आसान काम नहीं होता है। मैं आपसे बोल दूं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये चीजें कहने वाली है साथियों, ये आसानी से कही जा सकती है, लेकिन जब उसको जीवन में एप्लीमेंट करते हैं, जीवन में उसको लेकर के आते हैं, अपने जीवन में उसको लागू करते हैं, तो साथियों आसान काम नहीं होता है। ऐसे आसानी से कह दिया वैसे हो जाएगा, वैसे हजारों चैनल पर ज्ञान झाड़ने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन क्या वो हम लोग कर सकते हैं ऐसा? अरे आसान काम नहीं है। अपने सारी पूरे जीवन को एक तरफ रखना और फिर इस जीवन को बिताना। मैं आपको साथ ही एक बात जरूर बताऊंगा कि ये जो परीक्षा की तैयारी होती है ना, ये जो परीक्षा की तैयारी होती है, जिस किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, साथ ही तपस्या के समान होती है। आप आसान समझते हो क्या इसे? नहीं समझना चाहिए। और अगर आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य धारण कर लिया कि नहीं मुझे जॉब लगानी है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर उस जो दिशा है उससे आपको भटकना नहीं है मित्रों। मैं आपको सही बता रहा हूं, आपका सिलेक्शन जीवन में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने उस परीक्षा की तैयारी को अगर तपस्या के समान धारण कर लिया और अपने लक्ष्य को आपने प्राप्त करने की ठान लिए, अटल हो जाओ उसको कि नहीं मुझे प्राप्त करना है, अरे 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए उस एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, मैं गारंटी देता हूं अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए तो। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ साथियों। मुझे थोड़ा सा गुस्सा जरूर आ जाता है इस बताते बताते। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए पूरा कंप्लीट। दूसरी बात मैं आपको करूंगा, सिलेबस हो गया, दूसरा पॉइंट मेरे पास है साथियों, आपके पास प्रवेश ए के पेपर पूरे होने चाहिए। अब तक के जितने भी पेपर कॉलेज लेक्चरार के हो चाहे स्कूल लेक्चरार के हो, सारे के सारे पेपर जो आरपीएससी के द्वारा करवाए गए हैं, स्कूल लेक्चरार के पेपर, जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर, जो भी आरपीएससी ने करवाए हैं, पहला पेपर और सेकंड पेपर आप जिस भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, सारे के सारे पेपर होने चाहिए। आजकल मार्केट में हजारों बुकलेट, हजारों पुस्तकें ऐसी आ रही है जो पूरे पेपरों की एक एक क्वेश्चन की व्याख्या करके उन्होंने दी हुई है साथियों। वो पूरी की पूरी पुस्तक आपके टेबल पे होनी चाहिए। पहले उनको पढ़िए, उनको समझिए, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, ये आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके माइंड के अंदर तभी आ सकता है जब आपने प्रीवियस ईयर के पेपरों को देख लिया हो। साथियों मैंने दो पॉइंट बताए, पहली बात आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके टेबल के ऊपर चिपका हुआ होना चाहिए।
दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए और उन पेपरों को आपने अच्छे तरह से एनालिसिस कर लिया है कि इस टॉपिक को इतना महत्व है, इस टॉपिक का इतना है, इस टॉपिक का इतना है। उसके बाद की बात अब करने वाले हैं। अगला पॉइंट आता है साथियों, जो आपके नोट्स हैं उन नोट्स को एक एक टॉपिक को आप पढ़िए। सबसे पहले थ्योरेटिकल नोट्स पढ़िए अच्छे से, जो आपने नोट्स बनाए हैं चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के नोट्स हो उनको अच्छे से पढ़िए। आपने एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया, जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे ही आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे मान लीजिए आपने कल्चर में पढ़ा, राजस्थान कल्चर में आपने पढ़ा मेले, अब मेले का टॉपिक जैसे आपका पूरा होता है उसके करीबन आपके पास जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे 100-150 क्वेश्चन मेले के आप ऑब्जेक्टिव भी लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व कर लीजिए, हो गया काम यहाँ पर। तो पढ़ने का तरीका ये है मित्रों, पहले उसको हम लोग जो है विस्तार से पढ़ें और उसके बाद में पढ़ने के बाद में जस्ट उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लें, हो गया। अब पढ़ाई कैसे करें भैया? तो पढ़ाई वैसे ही करनी है, रोज आप अपना टारगेट जरूर सेट करें। अरे एक पेज आप टेबल के वहां पर लगा लीजिए और उसमें पेंसिल से रोज लिखिए कि आज मुझे जो है ये टॉपिक कंप्लीट करना है, चाहे 8 घंटे लगे, चाहे 10 घंटे लगे, चाहे 15 घंटे लगे, चाहे मैं पूरी रात नहीं सो, लेकिन ये टॉपिक का टारगेट मैंने दिया है। और टारगेट जब आप सोने लगो, जिस नाइट आप सोते हो उस समय टारगेट देके सोएं और उठें तो उस टारगेट को पूरा करके ही सोएं वापस से, चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए। मित्रों अगर आपने इस तरह से पढ़ाई करी, अपने टारगेट को रोज पूरा आपने ही दिया है, कोई और टारगेट देने वाला नहीं है। अरे जब आप खुद टारगेट दे रहे हो तो आप खुद अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकते क्या? आप एक बार देखे तो देखे अपने आप को, एक बार सोच के तो देखे अपने आप को। अरे आप अपने लिए पढ़ते हो, किसी दूसरे के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए पढ़ रहे हो मित्रों, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ रहे हो। और एक बार जब जॉब लग जाती है ना, मजा आ जाता है लाइफ के अंदर, ये मान के चलिए आप, ठीक है। तो अगली बात हमने यहां पर करी है कि आप डेली अपने टारगेट को सेट करेंगे और उसे फिर आप पूरा करेंगे। तो 3-4 बातें वो मैं आपको बता चुका हूं अब तक। सबसे पहले बात, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए। तीसरी बात, आपके पास जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं वो होने चाहिए। चौथी बात है, आपके पास जो है MCQs होने चाहिए उनके, ताकि थ्योरी पढ़ के मतलब वो विस्तार से पढ़ के उसके बाद में हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा काम। इसके बाद में डेली पढ़ाई कैसे करेंगे? तो डेली हम लोग टारगेट सेट करके अपनी पढ़ाई करेंगे, यहां तक की बातें हमारी कंप्लीट होती है। अगली बात है साथियों कि सेलेक्ट राइट बुक लिस्ट, कीप इट लिमिटेड। तो साथियों आपको जो बुक है आपके पास, मैं आपसे ये बिल्कुल 100% नाराज हूं जो स्टूडेंट कहते हैं मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अरे आप हजारों नोट्स इकट्ठा कर लेते हो, किसी का वीडियो देख लिया और उसने क्यों दिया और ये बुक बताइए, उस बुक को लेके आ जाते हैं और उस बुक को लेके फिर उसमें लग जाते। अरे पहले वाले तो पूरे कर ले भाई, पहले वाले तो ढंग से पढ़ ले। क्या पूरा पहले जो आप लेकर के आए थे पूरे आपको कंप्लीट है क्या? सब कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है क्या? मैं आपसे एक बात बता देता हूं, आप ढंग से अच्छे लोग जो बता रहे हैं उन्होंने कहा कि साहब लक्ष्य की बुक लेकर के आ जाइए। साथियों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, लक्ष्य की बुक एक बुक लीजिए बस कंपटीशन की। अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की कंपटीशन की बात कर रहे हो तो एक बुक ले लीजिए, कोई सी भी। मैंने कहता कि आप पेनोरामा लीजिए, लक्ष्य लीजिए, वो लीजिए, लेकिन एक बुक ले लीजिए। आप हजारों बुकें इकट्ठी मत कीजिए। मैंने उसकी भी ले ली, उसकी भी ले ली, उसको भी पढ़ रहा हूं, उसको भी पढ़ रहा हूं। अरे पादरे किसी के पढ़ नहीं रहे, मत कीजिए। एक बुक रखिए, अगर आपके पास हजारों बुक्स है तो उन्हें रख दीजिए आप कहीं भी कट्टे में रख भर करके, और एक बुक आपके पास होनी चाहिए और आपके जो नोट्स हैं रजिस्टर वो होने चाहिए। इसके अलावा आप कुछ भी मत पढ़िए, ठीक है। बार बार रिवाइज कीजिए उस चीज को, बार बार उस चीज को लिखिए। साथियों जब भी आप टॉपिक पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद में उस टॉपिक के बारे में सोचिए,
अपने आप को पढ़ाइए, अपने आप को पढ़ाइए छोटे छोटे बिंदुओं में उस टॉपिक के। जब आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है फिर उसके बाद में उसको शॉर्ट नोट्स अपने आप बिना देखे उसके बनाइए आप कि ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है, कितना याद मुझे हुआ है और ये मैं शॉर्ट नोट्स उसके बना रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट में नोट्स बनाइए, अंत समय पर ये बहुत काम आते हैं। वो जो लास्ट का टाइम होता है उस समय नोट्स इतने काम आते हैं कि हम फटाफट उनकी सबसे अच्छी तैयारी कर लेते हैं। जब पेपर में बैठते हैं ना तो वो सारी चीजें हमें याद आ जाती है। मित्रों मित्रों देखो, आसान काम है तैयारी करना, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन जो तैयारी करता है ना वो जानता है कितना आसान है और कितना मुश्किल है। मित्रों अगर आपने माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर ये बात सोच ली कि नहीं मेरे तो लक्ष्य को मैंने ये धारण कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई रिश्तेदार मेरे से कुछ भी बोले, अरे ये तो कहीं आता है कहीं जाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, कुछ भी बोले, मित्रों 45 साल की उम्र वाला बंदा भी नौकरी लग सकता है। मैंने आपको बताया है, ब्रह्मा देवी ने 17 साल तक तैयारी करी, उसके बच्चे भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे हैं, क्या वो जॉब नहीं लगी पूरे घर का काम संभालते हुए, फर्स्ट ग्रेड में आज वो नौकरी कर रही है। मैं ये उदाहरण इसलिए बार बार देता हूं कि आप ये मत सोचिए अरे यार हमें तो याद होता ही नहीं है, अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं कुछ मत सोचिए, बस सोचिए ये कि मेरे को हमेशा पॉजिटिव रहकर तैयारी करनी है और मुझे सक्सेस होना है चाहे कुछ भी हो जाए। मैं गारंटी देता हूं आप अगर प्रयास कर रहे हो और सही डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हो तो आपका जो प्रयास है वो सफलता में जरूर बदलेगा। अरे पहले कितनी भी असफलताएं मिल गई है, कहते हैं ना असफलताओं से सफलता मिलती है, असफलता ही सफलता की कुंजी है, ये आप बदल सकते हो, इस चीज को आसानी से बदल सकते हो। मित्रों अगली बात करेंगे साथियों सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को अच्छे से आप जो है सेल्फ मोटिवेशन रखिए, स्वयं को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव कभी अपने माइंड को मत होने दीजिए। अरे ये दिमाग है ना ये हमेशा बचने की कोशिश करता है, हमेशा बचने की कोशिश करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी कुछ भी हो रहा होगा हमेशा जाने की कोशिश करेगा, अरे उससे बचना है आपको। आप अपने आप को अगर पॉजिटिव रखोगे, आप अपने आप को पॉजिटिव रख के तैयारी करोगे तो आपके घर में भी एक पॉजिटिव वातावरण होगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अरे यार तैयारी कर रहा है इसको परेशान नहीं करना चाहिए, आसानी से आपका सिलेक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल्फ मोटिवेशन आपको रखना है मित्रों, ठीक है। और अपना जो गोल आपने, लक्ष्य आपने जो धारण कर लिया है उसके प्रति अपना जो है ध्यान आपको रखना है, ठीक है। अगली बात करेंगे साथियों स्मार्ट यूज योर स्मार्टफोन, मतलब मैं आपसे ये कहूंगा कि स्मार्ट यूज योर स्मार्टफोन, मतलब आप अपने फोन का स्मार्ट तरीके से यूज कीजिए। अरे स्मार्ट तरीके से यूज करने का मतलब यह है, मैं आपको बता दूं जितने भी ऐप हैं, जो ये जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, दुनिया भर की चीजें हैं, सबको डिलीट मार दीजिए आप 6-7 महीने के लिए, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता उसके हिसाब से। आपने अगर ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है तो ऑनलाइन कोर्स में भी अगर लाइव क्लास है तो उसे भी मत देखिए, जब वो रिकॉर्डेड क्लास हो जाती है तो उसके बाद में उसको देख लीजिए और 1.5 की स्पीड से आप लोग उसको देखिए, आसानी से आपकी 1 घंटे की क्लास जो है आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। मित्र आपने एक एक मिनट को बचाना है, एक एक मिनट आपके जीवन के लिए कीमती है। अगर आप तैयारी कर रहे हो और सही तरीके से तैयारी कर रहे हो और दिखावे से तैयारी कर रहे हो तो आप मत कीजिए, जैसा आपकी मर्जी पड़े वैसा कीजिए अगर दिखावे के लिए। अरे मैं कह रहा हूं 100 स्टूडेंट में से 90 स्टूडेंट दिखावे के लिए ही तैयारी करते हैं, वो दिखाते हैं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं जयपुर रह रहा हूं, मैं वहां रह रहा हूं, मैं जोधपुर, दुनिया भर की जगह वो कोचिंग करते हैं। अरे पढ़ते कितने हैं, पास कितने होते हैं, हर किसी को पास होने की जरूरत होती है। कोई बंदा चाहता है कि मेरी नौकरी नहीं लगे, कोई बंदा चाहता है कि मेरी जॉब नहीं लगे, ऐसा कोई नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना किसने किस डायरेक्शन में तैयारी करी है उसे पता होता है, हर इंसान को पता होता है क्या मैंने सही तरीके से तैयारी करी है। जब सिलेक्शन, जब रिजल्ट आता है ना उसको पता होता है मैंने तैयारी इतनी नहीं करी, मेरा सिलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए।
तो मैं आपसे यही कहूंगा मित्रों, आप एज मत देखिए कि यार मैं 41 साल का हो चुका हूँ, 42 साल का, 45 साल का, 35 साल का, 38 साल का हो चुका हूँ, ये मत देखिए। अगर आपको, आप चाहते हो कि मेरी जॉब लगेगी सरकारी में लगेगी और मैं लगा के रहूंगा, तो आप उम्र मत देखिए और जुट जाइए। जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ साथियों, नोट कर लेना आप लोग। अगर आपने इस दिशा में अगर तैयारी कर ली ना, तो मैं दावा करता हूँ मित्रों, आप खुद मेरे इस चैनल पर, इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताओगे कि नहीं सर, आपने बोला था और मैंने इसी दिशा में तैयारी करी है, 100% मेरा सिलेक्शन हुआ है, इस रैंक से हुआ है। मित्रों अगर मेरी बात आपको थोड़ी बहुत भी सही लगे ना, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर बहुत मोटिवेशन हुआ है, सर बहुत हम लोग इस ये हुए हैं सर। अगर आपको थोड़ी बहुत भी, मैं आज थोड़ा सा जो है ना भावुक हूँ साथियों। मुझे क्या है कि ये अजीब सी कि मतलब अलग अलग पता नहीं क्या क्या लोग बना देते हैं यार, हजारों वीडियो बना देते हैं, मतलब मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती। देखिए साथियों, मैं एक साफ सुथरा इंसान हूं, मैं ऐसी आलतू फालतू की बातें मुझे करना नहीं आता है। मतलब बेरोजगार से पूछो यार उनकी क्या स्थिति है क्या नहीं है, आप मर्जी पड़े जैसे अपने चैनल पर डाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो साथियों, ये नहीं, उससे पूछो कैसे कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो साथियों मैंने आपको बताया है कि हम स्मार्टफोन का यूज स्मार्ट तरीके से ही करेंगे, तो आपके जितने भी ऐप हैं उसे आप हटा दीजिए, और आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखिए वो ऐप रखिए, और ऑनलाइन कोर्स आप उसे पढ़िए, वो भी लाइव नहीं, वो भी आप रिकॉर्डेड पढ़िए। पढ़ लिया आपने, रिवाइज करना है आप कर लीजिए, फोन को साइड में रख दीजिए। पढ़ते वक्त फोन आपका बहुत दूर रखा हुआ होना चाहिए और वो भी स्विच ऑफ होना चाहिए। अरे ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई भैया जो बाद में नहीं आ सकती, बाद में उसको हम नहीं देख सकते। टाइम फिक्स कर लीजिए स्मार्टफोन का यूज करने के लिए कि पढ़ाई के अलावा केवल 1 घंटा में स्मार्टफोन देखूंगा, दोस्तों से बात करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो ये बात हो गई स्मार्टफोन की। आगे हम लोग बात करेंगे साथियों, टॉकिंग हेल्प योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। साथियों अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से जरूर बात करें जो पहले कंपटीशन की तैयारी करके लग चुके हैं, उनसे जरूर मोटिवेशन लें, जिन्होंने पहले इस कंपटीशन को क्वालिफाई कर लिया है, तो उनके संपर्क में जरूर रहें, वो आपको कभी भी नेगेटिव नहीं होने देंगे, वो हमेशा आपको पॉजिटिव दिशा में ही आपको लेकर के जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है साथियों। अगला पॉइंट आता है साथियों, मैं आपसे यही बात कहूंगा कि जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद में मैंने आपसे कहा ना, पहले आपने वो टॉपिक पूरा पढ़ लिया विस्तार से, फिर आपने उसके क्या कर लिया, उसके बाद में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लिए साथियों, उसके बाद में उसका कोई एक टेस्ट लगा लीजिए साथियों। एक बात बता दूं, जो ये मॉक टेस्ट होते हैं ना, ये कभी कभी आपको नेगेटिव की ओर दिशा में भी ले जा सकते हैं, कभी ना कभी आपको स्थिति बिगाड़ भी सकते हैं आपकी, आपका मोटिवेशन भी कम कर सकते हैं, लेकिन आप उसी टॉपिक का टेस्ट लगाइए। आप पूरा एक साथ अगर टेस्ट लगाने बैठ गए ना, आपने टॉपिक तो पढ़ा हुआ मेले वाला, आपने टॉपिक पढ़ा है त्योहार वाला, पशु वाला, अरे आप टेस्ट लगाने बैठ गए सारा एक साथ मिक्स में, तो वो तो आपको डिमोटिवेट ही करेगा, मोटिवेट नहीं करने वाला। तो आप टेस्ट लगाएं और एक एक टॉपिक का टेस्ट लगाएं। हजारों बुक्स आती है मार्केट के अंदर, कोई भी बुक्स खराब नहीं होती है, आपको जो अच्छी लगे वो बुक्स लेके आइए ना यार, किसी के कहने से क्या मतलब हो रहा है, मत लेके आइए। मेरे को आज मैं बता रहा हूं आपको, जो दिशा पब्लिकेशन की जो दिशा वाली बुक है, 2020 वाली बुक, वो ऑब्जेक्टिव आती है, उसके बाद में नीचे व्याख्या दी होती है, उस बुक्स को ले लीजिए आप। हजारों बुक को खरीदने की कहां जरूरत आ रही है, वो बंदा बढ़िया मेहनत करता है, आप लेके आइए उसको, पढ़िए आप उसको, और अभी मत लेके आइए, जब आपका पूरा कंप्लीट आप पढ़ लो, 2 से 5 बार 10 बार उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो, उसके बाद में फिर आप उसको पढ़िए। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, ये क्वेश्चन बाहर चला जाए तो आपका, आप पढ़ के तो देखिए मित्रों, ये छोटी छोटी बारीकियां होती है जो जीवन को जो है ना बर्बाद होने से रोक सकती है, सिलेक्शन की दौड़ में ले जा सकती है, ये चीज आप मानिए मित्रों। आगे बात करेंगे, एक अगला जो मैं यहाँ पर पॉइंट जो मेरे पास है वो है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए इतने पीछे पड़ जाते हैं, इतने पीछे पड़ जाते हैं, और यहां से बुक ले ली वहां के, और उस कोचिंग के करंट अफेयर्स के नोट्स ले लिए, उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ लिया। अरे मत भगिए भैया करंट अफेयर्स के पीछे इतना, मानता हूं करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन आएंगे,
मानता हूं करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रेशो है, मत भगिए ना आप इधर उधर यार, आप केवल मंथली करंट अफेयर्स क्रोनोलॉजी लाइए और उसके बाद में मूमल की वार्षिकांक लेके आ जाइए। मंथली क्रोनोलॉजी और मूमल का वार्षिकांक पढ़ लीजिए, आपका करंट अफेयर्स इससे बाहर अगर चला जाए तो साथियों मैं दावा करता हूं इससे बाहर नहीं जाने वाला, आप मानिए तो सही। अरे एक जगह पर स्थिर तो रहिए आप, तो बस इधर उधर ये उधर मुंह, अरे पता नहीं क्या क्या स्थितियां बिगाड़ लेते हैं और फिर कहते हैं अरे सर मेरे को तो मेरा तो हुआ ही नहीं सिलेक्शन। अरे कैसे होगा भैया, इसका चैनल देखा, उस चैनल में पढ़ रहे हैं, उसका पुष्प पढ़ रहे हैं, अरे मत कीजिए ना यार। आपको लगता है कि इस चैनल पर ये क्वेश्चन अच्छे बता रहे हैं, उन क्वेश्चनों को उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको लगता है इस चैनल पर ये थ्योरी अच्छी बता रहे हैं, उस चैनल को फॉलो कर लीजिए। आप किसी एक थ्योरी वाले चैनल को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। साथ में मेरी एक भी बात सच्चाई है ना, तो निश्चित रूप से आप जो है ना कमेंट करके बताइएगा सर जरूर आप अच्छा बताए, अगर आपको एक भी बात अच्छी लगती है। साथियों मैं कोई यहाँ फेकोलॉजी करने के लिए नहीं आया हूँ साथियों, मुझे नहीं आता है ऐसा, पता नहीं लोग क्या क्या बताते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स की बात हो गई साथियों, आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे मित्रों, जो आपने सीखा है, जो आपने जाना है, उसको एक बार रिवाइज जरूर करें। दिन भर में आपने जो पढ़ा है, शाम को सोते वक्त इसको रिवाइज जरूर करें। तो मित्रों सबसे पहले अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं, क्या क्या चीजें आपके पास होने चाहिए, कैसे कैसे आप पढ़ोगे। मैंने अभी आपको केवल पढ़ने की स्ट्रेटेजी बताई है, मैं बुक्स बिल्कुल नहीं बताया है, नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर। बुक्स का मैंने जो है पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा कि रणनीति और जो है बुक लिस्ट, सबसे बेस्ट बुक लिस्ट मैं आपको वहां पर बता चुका हूँ, उसको जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास उस परीक्षा का सिलेबस होना चाहिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर के पेपर होने चाहिए, उसके बाद में डेली टारगेट आपको देना है, उसके बाद में आपके पास बुक्स और स्टडी मटेरियल एक लिमिटेड होना चाहिए, ज्यादा नहीं आप लोगों को इकट्ठा करना है। स्मार्टफोन का यूज आपको बहुत ही कम, केवल जब क्लास आपने ऑनलाइन ले रखी है तब आप करें, और सेल्फ स्टडी पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें मित्रों, अपने आप को जो है मोटिवेट रखें। और करंट के बात मैंने आपको बता दी है, क्रोनोलॉजी और वार्षिकांक मूमल आप जरूर लेकर के आइएगा, ठीक है मित्रों। शायद आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, और लगी हो तो जरूर एक बार लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा मित्रों। यहाँ पर मुझे कोई किसी से ऐसा नहीं है कि मैं किसी के लिए बोलूँ, नहीं मित्रों, मैं केवल आपके भविष्य के लिए, मेरे को आज ऐसा ये चैनल पर ये वीडियो डालना पड़ा है, मतलब भटक रहा है स्टूडेंट, पता नहीं क्यों 40 साल के दर, मेरे तो 40 साल की उम्र हो गई, मेरी 41 साल की हो गई, 45 साल की, अरे होने दो ना, उम्र से क्या फर्क पड़ता है, आप तो पढ़ाई करो बस मन लगा करके, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मेहनत कीजिए सिलेक्शन को आप लेकर के आओगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।